सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग विदाउट बॉर्डर्स। अभी टाइम हुआ है 5:51, शनिवार 8 सितंबर 2018, और मैं हूँ अभी चिंचू स्टेशन। और यहाँ पे आने का एक ही कारण है, मैं जा रहा हूँ मेरा नई ट्रिप पे दमन। मैं आज जाऊँगा सीधा वापी और फिर वापी से सीधा दमन। ये मेरा 3 दिन का ट्रिप है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता रहूँगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं जाने वाला हूँ आज दमन। तो यहाँ से मेरी ट्रेन है सिंहगढ़ एक्सप्रेस, वो मुझे छोड़ेगी मुंबई 10 बजे तक, और उसके बाद मैं जाऊँगा मुंबई सेंट्रल। लगभग 1:30 पर मेरी ट्रेन है वापी के लिए, जो वापी वलसाड डिस्ट्रिक्ट में आता है गुजरात के, और जो दमन से लगभग 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मैंने होटल भी वहीं पे लिया है वापी पे, तो आज मैं वापी पे स्टे करूँगा, कल भी वहीं पे स्टे करूँगा, और आज वापी एक्सप्लोर करूँगा, कल मैं दमन जाके दमन पूरा एक्सप्लोर करूँगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है, स्टे ट्यून। गाइस 10:43 हो चुके हैं अभी, और मैं अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास पहुंच गया हूं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, यहीं से मुझे मेरी गाड़ी पकड़नी है वापसी के लिए, तो मैं जाऊंगा आगे। दोपहर के, और मैं अभी पहुंच चुका हूं मुंबई, मुंबई सेंट्रल। ये मैं अभी दिखाता हूं आपको मुंबई सेंट्रल स्टेशन। मैंने सुबह गाड़ी पकड़ी थी सिंहगढ़ एक्सप्रेस, उससे मैं दादर आया, और दादर से लोकल पकड़ के यहाँ पे सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल पहुंच गया। मुंबई सेंट्रल और दादर के बीच की दूरी 6 किलोमीटर की है, 5 रुपये का टिकट है लोकल से आने के लिए, और 5 मिनट डिस्टेंस है लोकल से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं आप मुंबई सेंट्रल स्टेशन, यहीं से मेरी गाड़ी है वापी स्टेशन के लिए, जो गुजरात वलसाड में है। तो लगभग 1:40 पर गाड़ी है मेरी, तो 2 घंटे या उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम मुझे वेट करना है यहाँ पे, तो अपडेट करता हूँ मैं आगे आपको। गाइस जैसे कि देख रहे हैं आप, मैं अभी मेरी ट्रेन बैठ गया हूँ। यह है ट्रेन, सीधा जाएगी मुंबई सेंट्रल से वापी स्टेशन, जो गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में है। तो लगभग 1:40 पर यहाँ से छूटेगी, और 4:15 तक वहाँ पे पहुँच जाएगी।
तो लगभग 2 या 2.5 घंटे का मेरा जर्नी है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है मुझे, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। तो ये गाइस देख सकते हैं, ये कुर्सी है जो बैठने के लिए, ये ऐसे सीटिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे सीटिंग चेयर है पूरा, 3 ये साइड 3 वो साइड ऐसा है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे पैर रखने के लिए भी ये चीज़ें हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है, फेयर भी इसका बहुत ही कम है, 100 रुपीज़। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ आज गुजरात के लिए। अभी मैं जस्ट स्टेशन वापी स्टेशन पे उतरा, वापी स्टेशन से सीधा मेरे होटल में आया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अभी ये देखिए मेरा होटल, थोड़ा सा रूम टूर करा देता हूँ मैं मेरे होटल का। अच्छा होटल है, मेक माई ट्रिप पे बुक किया था मैंने 360 रुपीज़ में पर वन डे, 2 दिन के लिए मैंने बुक किया है यहाँ पे, क्योंकि आज आया हूँ, आज मैं थोड़ा वापी शहर थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा और कल सुबह मैं जाऊंगा सीधा दमन। तो दमन की जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, दमन की जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है, वो सभी एक्सप्लोर करूंगा और आप सभी को दिखाऊंगा। और अभी मैं जाता हूँ, पूरी सिटी एक्सप्लोर करता हूँ, हो सके तो आपको अपडेट भी करता हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। ये मेरे होटल के विंडो से आप देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर जो आपको सामने से ट्रक आ रहा है दिख रहा है, ये ट्रक सीधा ये साइड राइट साइड पे मुंबई की ओर जाता है, और जो लेफ्ट साइड में अभी जा रहा है, जो गाड़ियाँ जा रही है, जो बड़ा सा ट्रेलर दिख रहा है आपको, वो सीधा सूरत यहाँ से 122 किलोमीटर है, लगभग 3 घंटे का रास्ता है, और मुंबई 190 किलोमीटर। तो ये हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 8 गुजरात।